नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संधि के अंतर्गत संधि का पहला प्रकार और दूसरा प्रकार स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम संधि का तीसरा प्रकार विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं विसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि विसर्ग का अर्थ होता है अह की मात्रा। ध्यान दीजिए आप सभी, विसर्ग का अर्थ होता है अह की मात्रा, यही विसर्ग है। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा की तरफ। विसर्ग संधि की परिभाषा होती है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग यानी यह जो अह की मात्रा लगी है, विसर्ग संधि में इसी अह की मात्रा के स्थान पर कुछ वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं, वही विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि में यह जो पांच अक्षर या वर्ण आप देख रहे हो, विसर्ग का परिवर्तन इन्हीं पांच अक्षरों में होता है। तो इस विसर्ग संधि के अंतर्गत किस किस प्रकार से या किस किस नियम के अंतर्गत विसर्ग के स्थान पर ये जो पांच वर्ण हैं ओ र ष ष स आते हैं, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम विसर्ग संधि करने के पहले नियम की तरफ। पहला नियम यह है कि यदि विसर्ग के स्थान यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसका मेल अ या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या अंतस्थ व्यंजन या ह अक्षर हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। फिर से आप एक बार ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग यानी इस अह की मात्रा के पहले अ वर्ण हो और उसका मेल अ से हो या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर से हो या किसी भी अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व या ह अक्षर से हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ध्यान दीजिए, अंतस्थ व्यंजन य र ल व और एक ह अक्षर है और इसके अलावा किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर यानी जो यह आपको बॉक्स में अक्षर दिख रहे हैं इनमें से कोई और य र ल व इनमें से कोई और ह में से कोई यानी इन अक्षरों में से कोई अक्षर यदि विसर्ग के बाद आता है और विसर्ग के पहले अ वर्ण हो तब उस विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण लिखा गया, पहला उदाहरण हम देखते हैं, मनह धन हर। यहाँ पर देखिए मनह धन हर, हमारा नियम कहता है कि विसर्ग के पहले अ हो, यह न व्यंजन वर्ण है, इस व्यंजन वर्ण में अ लगा हुआ है, इस प्रकार विसर्ग के पहले अ हुआ और विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, यहाँ पर ह से, नियम के अनुसार ह से हो रहा है। इस प्रकार क्या होगा, यह जो विसर्ग है यह ओ में परिवर्तित हो जाएगा और जो दूसरा शब्द है हर और जो पहला शब्द है मन यह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार हम इन सब का यदि मेल करते हैं तो मन या ओ की मात्रा न के साथ जुड़ जाएगा और हर जैसा के तैसा लिखा जाएगा। इस प्रकार मनह धन हर का हम यदि मेल करते हैं तो यह हो जाएगा मनोहर। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार हम चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, मनह धन हर बराबर मनोहर। इसी तरह अधह धन गति, ये अधह धन के जगह पर जो विसर्ग है इसके जगह पर ओ की मात्रा आ जाएगी, वह ध अक्षर के साथ जुड़ जाएगी और
फिर जो दूसरा शब्द है गति, जैसा का तैसा हम लिख देंगे, यह हो जाएगा अधोगति, अधोगति हो जाएगा यह। उसी तरह मन धन बल बराबर क्या होगा, मन इस विसर्ग के जगह पर ओ की मात्रा, फिर बल ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। अगला है रज धन गुण, रज विसर्ग के जगह पर ओ और आगे गुण। देखिए अगला उदाहरण है तप धन वन, यहाँ पर प है, प में वन व्यंजन वर्ण है, इसमें अ है, उसके बाद विसर्ग है, वह है। देखिए वह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, इस प्रकार से इसके जगह पर, इस विसर्ग के जगह पर ओ हो जाएगा। तपो वन, तप तप धन वन बराबर तपो वन। पय यह है, उसके बाद ध है, तीसरा वर्ण है, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, इस प्रकार यह इस विसर्ग के जगह पर ओ की मात्रा हो जाएगी, पयो धर हो जाएगा, पय धन धर बराबर पयोधर। इसी प्रकार यश धन दा बराबर यशोदा। ये थे ओ के नियम। अब हम आगे चलते हैं विसर्ग के दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है विसर्ग का र में परिवर्तन, यह कब होता है देखते हैं हम। विसर्ग के पहले अ या आ न हो और उसके बाद में किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हो, या अंतस्थ व्यंजन हो या ह हो, तो विसर्ग का परिवर्तन र में होता है। ध्यान दीजिए, विसर्ग के पहले अ या आ न हो, ए आ या अ न हो और उसके बाद किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन और ह, यानी ऐसा ही विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी एक वर्ण हो और विसर्ग के पहले अ और आ में से कोई न हो। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, नी है धन धन, यहाँ पर देखिए नी है धन धन बराबर क्या, देखिए यहाँ पर नी में ई जुड़ा है, ई नियम हमारा कहता है विसर्ग के पहले अ या आ ना हो, यहाँ पर ई है, अ या आ में से कोई नहीं है और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या ह हो, तो त वर्ग का यह चौथा वर्ण है धा, इस प्रकार इस विसर्ग के जगह पर र हो जाएगा और यह धन और यह नी ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। इन सब का हम मेल करेंगे तो नी, यह आधार रह है ध के साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा निर्धन। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, नी धन धन बराबर निर्धन। उसी तरह आसे है धन वाद, यहाँ पर ई आया है विसर्ग के पहले ई और विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन है, इस प्रकार इस विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा, ते हो जाएगा आशे, इस विसर्ग की जगह पर र होगा, र आधा लिखा जाएगा तो आसमान्य र होगा तो वा के साथ जुड़ेगा, यह हो जाएगा आशीर्वाद। उसी तरह से यह दु है, द के विसर्ग के पहले उ और विसर्ग के बाद ब आया है, प वर्ग का तीसरा वर्ण है ब, इस प्रकार इस विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा, यह हो जाएगा दुर्बल। दु धन बल बराबर दुर्बल। उसी तरह दु धन दशा क्या हो जाएगा, दु यहाँ पे उ आया है विसर्ग के पहले, द द त वर्ग का तीसरा वर्ण है, यह विसर्ग र में परिवर्तित होकर द के ऊपर चला जाएगा, दु धन दशा बराबर दुर्दशा। नी धन झर बराबर इसी तरह हो जाएगा निर्झर। ये अब हम आगे चलते हैं विसर्ग संधि का तीसरा नियम। तीसरा नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन,
विसर्ग का श्रम में परिवर्तन कब होता है? यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर अक्षर हो और बाद में च, छ या श में से कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का श्रम में परिवर्तन हो जाता है। नियम कहता है विसर्ग के पहले कोई स्वर अक्षर हो और बाद में च, छ और स में से कोई हो तब विसर्ग का परिवर्तन, इस विसर्ग का परिवर्तन श अक्षर में हो जाता है। देखिए नीह धन चल, नीह हमारा नियम कहता है कोई स्वर हो, न है यह न, नीह धन चल, न पर एक ही मात्रा लगी है तो यह क्या स्वर अक्षर है, विसर्ग के पहले स्वर अक्षर और विसर्ग के बाद च, छ और स, तो यहाँ पे च है, इस प्रकार इस विसर्ग का परिवर्तन श में हो जाएगा और जो धन के बाद वाला शब्द है ज्यों का त्यों और यह नी ज्यों का त्यों और सबका मेल करेंगे तो हो जाएगा नी, ये आधा स ही रहेगा क्योंकि इसके पहले कोई स्वर अक्षर नहीं है, नहीं तो उसके सारे आधा व्यंजन नहीं, नहीं तो यह इसके साथ जुड़ जाता, ये हो जाएगा निश्चल। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखते हैं, नीह धन चल बराबर होगा निश्चल, आगे नीह धन छल, नी एक की मात्रा है विसर्ग के पहले ई आया है और विसर्ग के बाद छ है तो हमारा नियम कहता है विसर्ग की जगह पर श हो जाएगा, यह हो जाएगा निश्चल। और दुआ धन चक्र, उ विसर्ग के पहले उ और विसर्ग के बाद च आया है तो इस विसर्ग की जगह पर हो जाएगा श, यह हो जाएगा दुष्चक्र, इसके जगह पर श, फिर यहाँ पर अगला शब्द ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। उसी तरह दुवधन शासन बराबर दुव शासन, उसी तरह हरि हरिह धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, ये थे विसर्ग संधि के न सॉरी स संबंधी नियम, आया तो विसर्ग का समय परिवर्तन। आगे हम चलते हैं चौथे नियम की तरफ, चौथा नियम यह है कि विसर्ग का समय परिवर्तन यह कब होता है देखते हैं हम। विसर्ग से पहले यदि ई या उ में से कोई हो, विसर्ग के पहले यदि ई या उ में से कोई हो और बाद में क ख ट ठ और प फ, क ख ट ठ और प फ में से कोई भी हो तो विसर्ग का परिवर्तन श में होता है। देखते हैं हम उदाहरण के माध्यम से इसको, नीह धन काम, विसर्ग का श में परिवर्तन कब होता है जब विसर्ग के पहले ई या उ हो, तो यहां पर विसर्ग के पहले ई है और बाद में क ख ट ठ और प फ, यहां पे क है इसलिए इस विसर्ग का परिवर्तन इस श में होगा। दूसरा शब्द जो है ज्यों का त्यों हम लिख लेंगे और इसके पहले नी, इस प्रकार यह हो जाएगा निष्काम, नीह धन काम बराबर निष्काम हो जाएगा, यह हमारा यह नियम कहता है। नियम के हिसाब से श का परिवर्तन कब होता है विसर्ग के स्थान पर यह हम सीख रहे हैं, नीह धन काम बराबर निष्काम। उसी तरह नीह धन कर्म ई आया है विसर्ग के पहले और विसर्ग के जो जिसका मेल होगा विसर्ग से वो है क, ये नियम हमारा कहता है जब क ख ट ठ या प फ से मेल हो तो विसर्ग के जगह पर श हो जाता है तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, निष्कर्म नीह धन कर्म बराबर निष्कर्म। दुह धन
प्रकृति बराबर क्या हो जाएगा, दुष्प्रकृति। उसी तरह धनुष धन टंकार, यह हो जाएगा धनुष टंकार। उसी तरह निह धन पाप बराबर होगा निष्पाप। ठीक उसी तरह निह धन कर्म, यह हो गया एक बार, सॉरी। आगे हम चलते हैं विसर्ग संधि का पांचवा नियम क्या कहता है। विसर्ग का समय परिवर्तन, विसर्ग का समय परिवर्तन कब होता है, विसर्ग के बाद यदि त या श अक्षर हो तो विसर्ग का परिवर्तन समय हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि त हो या श अक्षर हो तो इस विसर्ग का परिवर्तन श वर्ण या अक्षर में हो जाता है। देखिए यहाँ पर दुह धन तर, विसर्ग के पास तर आया है या विसर्ग का मेल इस तर से हो रहा है, त से हो रहा है, त अक्षर से हो रहा है। इस प्रकार यह जो विसर्ग है यह स में परिवर्तित हो जाएगा और जो इसके पहले दु है इसको ज्यों का त्यों और धन के बाद का जो शब्द है तर ज्यों का त्यों। इस प्रकार इन सब का जब हम मेल करेंगे तो यह हो जाएगा दुस्तर। देखते हैं हम अगला उदाहरण क्या कैसा है या क्या कहता है। मनः धन ताप, देखिए विसर्ग के पास सॉरी विसर्ग के बाद त आया फिर से एक बार, इसलिए फिर से विसर्ग के जगह पर यह स हो जाएगा। इस विसर्ग के जगह पर स, बाकी ज्यो का त्यो हम ले देंगे। मनस्ताप, यहाँ पे नमः धन ते फिर से त आए, विसर्ग के जगह पर हम आधा स अक्षर लिखते हैं। इस प्रकार यह हो जाएगा नमः धन ते बराबर नमस्ते। यहाँ पर दुह धन साहस, नियम माना कहता है विसर्ग के बाद त आए या स आए तब इस विसर्ग का परिवर्तन इस आदेश में हो जाता है। इस प्रकार दु और इसकी जगह पर हम आधा स लिखेंगे विसर्ग के जगह पर और इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा दुस्साहस। उसी तरह इसको भी हम यह जो निह धन तार बराबर होगा निस्तार। उसी तरह विह धन तार बराबर विस्तार। निह धन संकोच, नि स आया है इसलिए इसके जगह पर भी आधा स, निसंकोच। यह थे विसर्ग संधि के पांच नियम कि विसर्ग के स्थान पर ओ कब होता है, विसर्ग के स्थान पर र कब लिखा जाता है, विसर्ग के स्थान पर श कब लिखा जाता है, विसर्ग के स्थान पर स कब लिखा जाता है, विसर्ग के स्थान पर स कब लिखा जाता है, किन किन स्थितियों में। अलग अलग पांच नियमों के माध्यम से हमने विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन किया। चलिए अब हम आगे देखते हैं होमवर्क की तरह चलते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ शब्द लिखे गए हैं, निम्नलिखित शब्दों के संधि कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को आपको प्रैक्टिस करके सीखना है। से निह धन गुण, मनः धन रथ, पय धन दर, निह धन कारण, धनु धन चाप, एक धन एक, उत्त धन घाटन, सत धन गति, प्रति धन एक, औ धन अक, सदा धन एक, वीर धन उचित, जगत धन नाथ, परि धन छेद, दिक् धन गज, गाय धन अक। इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। नमस्कार।